हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दमदार शहर के बारे में, IRCTC, जिसमें पिछले 2 दिनों से गिरावट है क्योंकि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी 2 दिन पहले की ये खबर है, हालांकि अगर हम देखें तो। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे क्या वाकई में उस जो खबर निकल कर आई है, क्या जो ये OFS आने वाला है उसका हम फायदा उठा सकते हैं कि नहीं, तो और खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं उस OFS में, वो भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे IRCTC की। देखिए, पिछले 1 महीने में इसके शेयर में काफी ज्यादा उठापटक आई है। 1,350 रुपए का शेयर था और एक बड़ी स्पाइक आई जो इसको 1,690 रुपए तक लेके गई। लेकिन पिछले 2 दिन से 3 दिन से लगातार गिरावट है और आज की गिरावट बहुत बड़ी है और इसको सीधा लाके पटका है 1,450 रुपए के आसपास। यहाँ पर ये शेयर अभी आ चुका है और उसकी वजह भी है क्योंकि शेयर में ये जो गिरावट थी वो लाजमी थी, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट अपडेट देखें तो देखिए IRCTC एक सरकारी कंपनी है, रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत ही दमदार कंपनी है ये, और अपने सेक्टर की एक लौती कंपनी है उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो OFS लाने वाली है और अपनी 20% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट यहाँ पर बेच रही है। तो डेफिनेटली जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी बिकने के लिए मार्केट में आएगी तो कहीं ना कहीं शेयर में हमें गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और वही यहाँ पर हुआ है कि गिरावट बनी है, 13% तक आज टूट गया था ये शेयर। आज 10 तारीख को आफ्टर द कंपनी सेड द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल अप टू 20% स्टेक इन द कंपनी थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल व्हिच ओपन्स फॉर सब्सक्रिप्शन टुडे। आज से वो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट भी हो चुका है और जो फ्लोर प्राइस है वो फिक्स रखी गई है 1,365 रुपए के आसपास की ये फ्लोर प्राइस है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। ऑफर फॉर सेल इन एज इट ओपन्स टुमारो फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर, डे टू फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी है। द गवर्नमेंट वुड डाइवर्स 15% इक्विटी विथ 5% ग्रीन शू ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक। तो देखिए यहाँ पर कई सारी अगर हम देखने भी जाए तो कितनी क्वांटिटी बेचने की आ रही है, 2,40,00,000 इक्विटी शेयर है। द प्रमोटर प्रपोज टू सेल अप टू 2,40,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ IRCTC रिप्रेजेंटेटिंग अप टू 50% स्टेक इन विथ एन ऑप्शन टू एडिशनली सेल 80 लाख शेयर रिप्रेजेंट 5% ऑफ द टोटल इश्यूड एंड पेड ऑफ इक्विटी। तो देखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बेचने के लिए आ रही है और उसी के चलते ये गिरावट है। और गवर्नमेंट बेच क्यों रही है, देखिए अभी अगर हम देखें तो डेफिनेटली कोविड की वजह से अगर हम देखना चाहें तो सरकारी खजाने के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है और तिजोरी खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार यहाँ पर इतने सारे शेयर्स बेचकर पैसा जुटा रही है। इससे अगर हम देखने जाए तो सरकार का 4,375 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा सरकार जुटाने की कोशिश करेगी इन सारी चीजों के चलते, मतलब ये शेयर्स को बेचकर। और अगर हम देखें तो सरकार की काफी सारी होल्डिंग है, तकरीबन 84% इतनी होल्डिंग सरकार की IRCTC में देखने को मिली है। तो उसको डेफिनेटली जैसे कि सरकारी रूल है 75% तक तो लाना ही पड़ेगा, तो एक वो भी रीजन है कि सरकार अपनी होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर कम करेगी। और अगर हम देखने जाए तो तकरीबन 75% के आसपास की होल्डिंग सरकार यहाँ पर अपनी लेकर उससे नीचे लेकर आ सकती है अपनी होल्डिंग को। लार्ज कैप शेयर है ये, 23,740 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और आज देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पर बिकवाली की है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पर बिकवाली की है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि सरकार के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग, 87.40% की होल्डिंग सरकार के पास है, FIIs के पास 0.88% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.97% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.64% की होल्डिंग है। और जब इतनी सारी होल्डिंग जब बिकने के लिए आएगी तो डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में FIIs, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी की भी होल्डिंग इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी और साथ साथ में पब्लिक की भी होल्डिंग जो है वो भी आपको इंक्रीज होती हुई देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। एक और चीज अगर आप देखें तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 15 म्यूचुअल फंड स्कीम और 40 FIIs का पैसा लगा है। फ्यूचर में ये जो होल्डिंग है वो बढ़ सकती है फंड हाउसेस की।
इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग जो है वो 9.15% के आसपास देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर देखने के लिए जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है। इस खबर के चलते थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन जैसे ही शेयर्स जो है वो बेच दिए जाएंगे वापस, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग खरीदारी करेंगे और जो सरकार का जो प्लान है इतना फंड इकट्ठा करने का, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो हो जाएगा। क्योंकि 1,300 रुपए के आसपास का मुझे IRCTC महंगा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए IRCTC की अगर हम बात करें तो भैया अपने सेक्टर की एक लौती बड़ी कंपनी है ये, और इसी का राज चलता है अगर हम देखने भी जाए तो। हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, 63 के आसपास का पी है, जबकि इंडस्ट्री भी 36 है, बुक वैल्यू 83 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 17.50 है, EPS 22 के आसपास है, डिलीवरी तकरीबन 14.80 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी खरीदने की सलाह कोई नहीं देगा क्योंकि डेफिनेटली ओपन मार्केट से तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा ये। 49% लोग आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 48% लोग आपको बेचने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपके पास है बेच सकते हैं आप, और जो OFS है उसमें चाहे तो खरीदारी भी आपको कर सकते हैं, ताकि डेफिनेटली आपका जो बाइंग प्राइस है वो यहाँ पर काफी कम हो जाता है। और अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने सितंबर क्वार्टर में कमाया है, 32 करोड़ का प्रॉफिट है ये, हालांकि जून में 24 करोड़ का लॉस था। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि लॉस होगा क्योंकि ट्रेन चल ही नहीं रही थी, ठीक है, लॉकडाउन का पीरियड था, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, ट्रेन चल नहीं रही थी। सितंबर में भी बहुत कम रेलवे की ट्रेन चली है, वो भी जो लोग कुछ जगहों पर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए सारी की सारी ट्रेन चलाई गई थी, और उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, 32 करोड़ का प्रॉफिट भी इनको हुआ है। इससे पहले ये कंपनी 150 करोड़ 205 करोड़ तक के भी मुनाफे दर्ज कर चुकी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में इस OFS के बाद बहुत ड्रास्टिकली हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा कम होती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन FIs म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग आपको यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मैं कहूँ तो देखिए शॉर्ट टर्म के पीरियड से मैं कभी भी IRCTC को खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो डेफिनेटली आप इस शेयर पर दाव खेल सकते हैं। एक साल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 68% का ग्रोथ है। पेंडेमिक के दौरान 815 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन फॉरन से इसने बाउंस बैक किया और 1,400 रुपए 1,300 रुपए के आसपास आ गया, और उसी प्राइस पर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। लेकिन पिछले हफ्ते में एक बड़ी रैली आई, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद एक बड़ी गिरावट भी अभी हमें देखने को मिली है OFS के आने की वजह से। ऑल टाइम हाई इसका तकरीबन 2,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और बहुत ही कम वक्त में ये हाई उसने बनाया था। आप देखिए बहुत कम वक्त था, 880 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, और अगर 2 ही महीने में ये 2,000 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन पेंडेमिक ने हालत खराब कर दी, टूट के बिखर गया, अब फिर से तेजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए रेलवे एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पर मंदी नहीं आने वाली है। जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, वापस से रेलवे अपने कामकाज में जुट जाएगा, और रेलवे के पहिए मुझे नहीं लगता कि थम सकते हैं कभी भी, और चाहे कितने भी प्राइवेट प्लेयर आ जाए, लेकिन IRCTC मुझे लगता है कि डेफिनेटली अपना जो गढ़ है उसको मजबूत रखेगा। और मेरी सलाह होगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहे हो तो जरूर आप चाहे तो OFS में अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये शेयर 1,300 रुपए से नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करें, शॉर्ट टर्म में कोई यहाँ पर उतना खास देखने को नहीं मिलेगा, जितनी तेजी आएगी उतनी गिरावट भी आएगी। तो अगेन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो बेहतर होगा यहाँ पर, और 1,300 रुपए के आसपास खरीदने की कोशिश करें। इस लेवल पर बाइंग की एडवाइस नहीं है, OFS में चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, और 1,300 रुपए के आसपास अगर मिलता है शेयर तो वेल एंड गुड, आप ओपन मार्केट में वहां से उठा सकते हैं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली गिरावट अभी और आएगी, कल भी ये टूट सकता है, क्योंकि अगर आपको जब सस्ता मिल रहा है तो कौन इसको 1,450 में ओपन मार्केट से खरीदना चाहेगा, कोई नहीं खरीदना चाहेगा इसको, लोग बेचने की कगार कोशिश करेंगे, बेचेंगे और वापस से OFS में खरीदेंगे। तो यही कहूंगा, ओपन मार्केट से 1,450 में खरीदने की गलती मत करना, 1,300 रुपए के आसपास मिलता है तो आप खरीद सकते हो, और लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म में IRCTC ने हमेशा पैसा बना कर दिया है, और आने वाले दिनों में भी लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा बनेगा। तो
इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक तो शेयर करें, चाहे वो पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और IRCTC के बारे में आप क्या सोचते हैं, और हाल फिलहाल में सरकार जिस तरीके से फंड इकट्ठा कर रही है और IRCTC में अपनी इतनी सारी होल्डिंग को बेच रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।